हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मेरे दोस्तों, अगर आपको क्लास 10 और क्लास 12 का अगर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है तो आप लोगों को बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, जिसमें से मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास दो चीज़ का होना कंपलसरी है। अगर पर आपके पास दो चीज़ नहीं होगी तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, यूज़र आईडी क्या होती है, पासपोर्ट क्या होता है, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये तो हमें अभी तक मिला नहीं है। तो इस सब के बारे में मैं आप लोगों को फुल्ली डिस्कस करवाऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो एग्ज़ाम डेट है वो भी रिलीज़ कर दिया है जैक बोर्ड के माध्यम से कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब आएगी, एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में क्या क्लास जिस तरह से हम लोग फाइनल एग्ज़ाम दिए थे क्या उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगी, सारा चीज़ आज आप लोगों को मैं एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पर बने रहे, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मैं लेके चलता हूँ ओरिजिनल वेबसाइट में। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल ब्राउज़र जैसे ओपन करेंगे हमारे मोदी जी का पिक्चर होगा। आप सभी को पता है कि मोदी जी का अब 70 साल होने वाला है, पता है आप सभी को, है ना। तो मोदी जी का पिक्चर आएगा ही आएगा, इनको थोड़ा सा स्किप करना है और मैं ओरिजिनल वेबसाइट में लेके चल रहा हूँ और सारा चीज़ को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर एक गलती के कारण फिर आपका रिजल्ट जो है डिले हो जाएगी मेरे दोस्त। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि हमें गलती इस बार नहीं करना है। जो गलती हम कर चुके हैं वो गलती हमें दोबारा दोहराना नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख जारी की है। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं 17 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ये जो आवेदन है ये कहाँ पे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये बनकर तैयार होती है कि अगर हम लोग आवेदन करेंगे तो कहाँ पे आवेदन करेंगे, कहाँ पे, साइबर कैप में या जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर करना है। तो पेशेंस बनाई, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। उम्मीदवार 31 मई तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के आधार पर 6 जून तक आवेदन किया जा सकता है। मैट्रिक सप्लीमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं 21 से 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं विलंब शुल्क के साथ। 1 जून से 6 जून तक भी आवेदन किया जा सकता है। मतलब क्लास 10 और क्लास 12 का बिल्कुल अलग डेट दे दिया है, वो भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और ऐसा नहीं करना है कि हम डेट के बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आप लोग, 17 तारीख से आप लोगों का क्लास 12 का स्टार्ट है तो 18-19 तारीख तक आप कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। आगे देखते हैं सर, अगले बताया गया है कि विलंब शुल्क के साथ हम लोग डिस्कस किया अभी करें क्या और अपना रिजल्ट इंप्रूवमेंट करना चाहते हुए इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर कि मैं अपने परीक्षा में रिजल्ट को इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं तो वे भी इसमें अपने शामिल हो सकते हैं, इस एग्जाम में शामिल हो सकता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर, जो हम लोग रीचेकिंग का फॉर्म डाल रहे हैं, सर क्या हम रीचेकिंग का फॉर्म डालने के साथ साथ हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर आप चेकिंग का फॉर्म डाल दिए हैं तब भी आप अपना एग्जाम यानी कंपार्टमेंट का, याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री का आप एग्जाम दे सकते हैं। ये जैक बोर्ड आप लोगों को ये खुला एक ऑफर दिया है, ठीक है। लेकिन 2025 के परीक्षा में वे नहीं दे सकेंगे। और लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप शामिल होते हैं दोनों में तो फिर आप 2025 के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण रह गए वे कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम दें, यानी जो छात्र को आपको लग रहा है कि मैं फेल हूँ वो आपने याद रखिएगा कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा लेकर चलता हूँ एग्ज़ाम की, मतलब एग्ज़ाम आपका कब होगी। देखिए, बोर्ड का नाम आप सभी को पता है, जैक बोर्ड है। एग्ज़ाम नेम जैक बोर्ड एग्जामिनेशन है, कैटेगरी है कंपार्टमेंट एप्लीकेशन। आर्टिकल जैक बोर्ड का क्लास 10 और क्लास 12 का है। क्लास 11-12 अप्लाई मोड होगा ऑनलाइन। अप्लाई डेट होगा 17 मई से 6 मई तक। अब सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं सर हमारा एग्जाम कब होगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, अभी मई का महीना चल रही, आपका एग्जाम जून में होगी। जून में कभी भी आप लोगों का एग्जाम हो सकती है, बस इतना यकीन मानिए, इस बात को याद रखना है कि आप लोगों का जून को 200% आप लोगों को याद रखिएगा, 200% आप लोगों का एग्जाम हो जाएगी। अब सर हम लोग एग्जाम तो हो जाएगी जून को, तो रिजल्ट कब आएगी, तो रिजल्ट आप लोगों का जुलाई में आएगी, ठीक है। और जुलाई से पहले आप कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बैकलॉग हैं, मतलब आप फेल हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे ग्रेजुएशन करना है इसके बाद तो इजिली सब हो जाएगी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बात रही सर ये हमें यूज़र आईडी जो आपने बताए थे एक और एक जो पासवर्ड बताए थे ये कहाँ पे मिलेगी, मेरे दोस्त ये आपको मिलेगा नहीं, ये स्कूल और कॉलेज वाले आप लोगों को देंगे। फॉर्म आपको साइबर कैप में नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज में अप्लाई करना होगा। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में और जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में जाकर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले टीचर्स के पास होती है, ना कि आपके पास।
लेकिन आपके पास सिर्फ होना चाहिए आधार कार्ड और मैट्रिक का जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होगी, वो दो लेकर जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद आप इजीली से एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर इसी तरह से आपको अच्छी तरह से एग्जाम देना है और इसी तरह से पास करके अपने आगे की जो सपना है उसको साकार करना है। फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी पे लटके रह जाएंगे, नहीं मेरे दोस्त। फेल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में 90% मार्क्स लाए हैं, क्लास 10 में 80% मार्क्स लाए हैं, लेकिन उसको केमिस्ट्री में 5 मार्क्स, फिजिक्स में 5 मार्क्स दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, इस बार एग्जाम दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो सपना है वो साकार हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कंपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।